हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। एज यू ऑल नो कि 12 जुलाई को जो है वो यूजी रेगुलर का जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करने आया हूँ कि किस तरह का जो है वो पेपर रहा और कितना जो है हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो है इसका रिजल्ट कब आएगा और उसमें जो है वो आप लोग कैसे एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे जो है वो आप लोग को कॉलेज सेलेक्ट करना है, अलॉटमेंट वगैरह कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगी, किस तरीके से जो है वो आपको या मेरिट लिस्ट ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेगी, सारी जो बातें हैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज, ऐसी वीडियोज़ हैं हम लोग लाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है कई सारे स्टूडेंट्स का जो है वो मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि एवरेज क्वेश्चन था, कुछ जो है वो हार्ड पेपर आ गया था। तो इसमें जो है ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि एवरेज पेपर है, और न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा कि ऐसा कुछ जो है बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स की मैंने बातें देखी, तो उन सेक्शन बी जो था वो काफ़ी उन लोगों को टफ लगा एज़ कम्पेयर टू जो सेक्शन ए वगैरह और भी जैसे सब्जेक्ट्स थे। जैसे आर्ट्स का एक पेपर जो था, आर्ट्स का जो पेपर था वो कहा जा रहा था कि थोड़ा सा जो है वो अच्छा था, हम लोग एवरेज वगैरह रख सकते हैं। फिर उसके बाद साइंस का जैसे बताया, साइंस का थोड़ा सा पेपर टफ बताया जा रहा है। उसके बाद आर्ट्स वगैरह जैसे मैंने बात की, ये सब का ठीक था। उसके बाद जो है वो हम लोग इसमें अगर कट ऑफ वगैरह की बात कर ले, या कट ऑफ जैसा तो कुछ होगा नहीं इसमें, आगे मैं बात करूँगा कैसे जो है वो एडमिशन और कैसे जो है वो आपका मेरिट वगैरह और कैसे जो है वो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने को मौका मिलेगा। इसमें जो है वो आप लोग अगर कहा जा रहा है कि 50-60 या ऐसे इतने जो है अगर मार्क्स जो है वो आएंगे तो आपका जो है वो आप सेफ साइड पे माने जा सकते हो। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अर्ली है, टू अर्ली है ये कहना, लेकिन फिर भी जो है वो जिस तरह का पेपर था इतना जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि अगर 60 के अराउंड भी होगा तो आप जो है वो सेफ हैं। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोग को फिलहाल जैसे एज यू ऑल नो कि पेपर जो है वो एग्ज़ाम के बाद ले लिया जाता है, तो मेरे पास कुछ है पेपर वगैरह क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो यहाँ पर मैं डिस्कस जरूर कर देता। लेकिन आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, आपका जो है कहा जा रहा है कि 16 जुलाई के आसपास जो है वो इसका रिजल्ट, यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो रिजल्ट आ सकता है। एंड उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि आपको 17 से कह सकते हो कि 23 जुलाई तक जो है एक मौका दिया जाएगा कि आप जो है वो अपना कॉलेज और कोर्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है वो आप लोग समझिए कि देखिए, आपका अभी जो है क्या हो गया कि आपका एंट्रेंस वगैरह हो गया, एंट्रेंस टेस्ट हो गया। उसके बाद जो है वो आपको कह सकते हो कि आप जब रिजल्ट वगैरह आएगा, मेरिट वगैरह आएगा, तो आपको जो है वो काइंड ऑफ जब एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें जो है वो आपको रैंक टाइप देगा, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ आपके कितने जो है एंट्रेंस जो है वो में मार्क्स आए हैं। फिर उसके बाद आपकी जो कैटेगरी क्या है, और उसके बाद जो है वो आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, और उसी पे आधार पे जो है ये सारी जो बातें हैं इस पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद एक ओवरऑल जो है वो आपको रैंक मिलने वाला। एक और बात जान लीजिए कि शायद हो सकता है कि आपको इसमें जो है वो मार्क्स देखने को ना मिले, तो जो मैंने जो क्राइटेरिया बताया उस 2-3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई कोर्स होता है तो उसका भी सीट वगैरह देखना पड़ता है, फिर कैटेगरी वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी देखना पड़ता है। उसके ओवरऑल जो है उसके बाद आपको रैंक, एक काइंड ऑफ रैंक जो है वो दिया जाए कि आपका इतना रैंक है। हाँ, एक कहा जा रहा था कि न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि 10 से 12 हज़ार के अराउंड जो है वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो कंपटीशन तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 3 से 4 हज़ार के अराउंड जो है वो इसमें सीटें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो मान लीजिए आपको कोई रैंक जो है वो दिया जाता है, उसके बाद 17 जुलाई से जो है वो आप लोग कॉलेज जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो कॉलेज चूज़ करने के संदर्भ में मैं यहाँ पे एक जो है बात बता दूँ कि इसमें जो है वो आपको पांच जो है वो आपको कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करने होंगे, और पांच जो कोर्स हैं वो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि मान लीजिए कोई पटना कॉलेज है, या आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बीए के लिए जो है अप्लाई किया, तो आप जो है वो पटना कॉलेज ऑप्शन में दे सकते हो, फिर आप जो है वो बीएन कॉलेज दे सकते हो। जो गर्ल्स स्टूडेंट है ऑफकोर्स मगध महिला वगैरह कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो मिलेंगे पाँच कॉलेज का या पाँच कोर्स का, ऐसी जो है वो सुविधा आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल 20 का था लेकिन इस बार जो है 5 कर दिया गया, एंड आई थिंक ये काफ़ी सफिशियंट भी है। ठीक है, इस तरीके से कोर्स वगैरह जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद जो है वो आपको 24 जुलाई के आसपास जो है वो आपको ईमेल या जैसे भी है आपको आप अपना लॉगिन वगैरह जो करोगे तो उसमें जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी कि हाँ आपका जो है वो सिलेक्शन वगैरह जो है वो इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए जो है हो चुका है। अगर आपको पसंद है और कोर्स जो है आपको मन मुताबिक मिल चुका है, तो आप जो है वहाँ से अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जो है वो उस कॉलेज में जाकर अपने
डॉक्यूमेंट सहित जो है वो सब कुछ जमा कर देना है, और पेमेंट वगैरह का भी जो है वो वहीं पे बता दिया जाएगा। अगर मान लीजिए पेमेंट का ये भी हो सकता है कि आपको जो है ईमेल पे ही लिंक आ जाएगा, अगर आपको सब कुछ जो है वो कॉलेज मन मुताबिक मिल गया तो आप वहाँ से पेमेंट का रसीद वगैरह ले जाकर जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जो है वहाँ पर जमा कर सकते हैं और वहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। आपके जो कॉलेज सेंटर होगा या मतलब जितने जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया हो वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट पूछे थे कि क्या मतलब सेकंड लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट से कुछ होगा। देखिए इसमें जो है वो सीट खाली रहेगा, ऑफ कोर्स एक बार में सभी जो है एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, सेकंड में जो है वो फिर से जो है वो सारी प्रक्रिया होगी, आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा, आप इसमें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद एक सफिशियंट डेट दिया जाएगा। और इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि आप जो है वो 24 जुलाई से कुछ डेट आपको मिलेगा, उसमें जो है वो आपको सारी जो प्रक्रिया है जो है एडमिशन की वो कर लेनी है। तो गाइस इस तरीके से जो है वो हमें देखने को मिला है। और एक और बात, इसमें जो कॉलेज वगैरह में जाओगे तो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लो, सिंपली सी बात है, 12th का हो गया आपका, TC हो गया आपके, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी में तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, और अगर माइग्रेशन ऑफकोर्स माइग्रेशन तो आपको एडमिशन के बाद भी जो है कर सकते हो, लेकिन ऐसे जो महत्वपूर्ण जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ जरूर रखना, ओरिजिनल एज वेल एज उसका फोटोकॉपी, अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आगे होगा तो इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। एक और बात जो है वो पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है कि सिलेबस जो है वो काइंड ऑफ चेंज किया जाएगा, और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो उसको चेंज किया जा रहा है आपके न्यू सेशन से किया जाएगा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक ईयर में जो बीए मान लीजिए बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, डेट मीन्स कि आपका 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर होंगे और 6 बार जो है वो आपको एग्जाम देने होंगे। पहले क्या था कि ईयर वाइज होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो वो भी है आने वाले वीडियोज में है, हम लोग संक्षिप्त तौर पर इस पर बात जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इसको जो है यहीं तक रखते हैं, आ सकते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और सी यू द नेक्स्ट वन। और यहां तक देख रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।